वेलकम टू दिस चैनल माय सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके पीछे किसी लड़की का हाथ हो सकता है, लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल हैं इसके पीछे डेफिनेटली किसी ना किसी लड़की का हाथ होंगे। अब देखेंगे जो कि अभी एक ट्रेंड है, जैसे कॉलेज में आते हैं, स्कूल में आते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर होता है। ये डेफिनेटली अगर आपको गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये आपका बहुत नेगेटिव चीज माना जाता है। जैसे आज का डेट में अगर किसी को कोई बोलते हैं कि हम दारू नहीं पीते हैं तो ये बहुत अजीब सा लगता है, ये आइसोलेटेड हो जाता है। यार दारू नहीं पीते हैं, यार तेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, यार तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये एक ट्रेंड हो गया। तो आप देखेंगे एक्चुअली क्या है, किसी सक्सेसफुल अगर आदमी को आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये सब जो खानसर का वीडियोज़ है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बहुत ऊपर जाना है ना, बहुत आगे जाना है, तो तितलियों का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी कि स्टूडेंट अभी फिलहाल नीट यूजी का प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नीट पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सलाह है कि इस पीरियड में, क्योंकि बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, इस पीरियड में आप इसी ट्रैक से बाहर आ जाइए, क्योंकि जो लड़की का स्माइल होता है वो आपको बर्बाद करने के लिए ही होता है। मैक्सिमम टाइम आप बहुत कुछ समझ लेते हैं, लेकिन लड़की आपको बर्बाद करने के लिए पूरा प्लान बना लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको आगे जाना है तो लड़की के पीछे जब भागने का आपको डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा है। यस, आपके पास अगर कमिटेड कोई है तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के पीछे उनका हाथ हो सकता है, लेकिन अगर आपका कोई कमिटेड नहीं है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं तो आपको बर्बाद करने के पीछे भी उनका हाथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए संभाल के रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और बात ये है कि आप अगर नीट यूजी नीट पीजी का प्रिपेयर कर ले तो आपके पास टाइम ऐसे भी बहुत कम होता है, तो इस टाइम को इसी चीज़ के पीछे मत लगाइए, आप सक्सेसफुल बनिए। आप देखेंगे शादी का ऐसा बहुत सारा मीम्स होते हैं, तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाता है या फिर आपके पास गवर्नमेंट का जॉब होता है तो लड़की का कमी नहीं होता है। डेफिनेटली आप अपना ध्यान पढ़ाई में दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ठीक है कोई बात नहीं, टाइम पास कीजिए, लेकिन बात यह है कि टाइम पास के चक्कर में आप खुद को बर्बाद कर ले, इसका भी ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।